जितेंद्र सेठ, पूर्व पार्षद। सरकारी स्कूलों में 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाकर बच्चों को बांटा जा रहा है और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मिड डे मील की जो योजनाएं हैं और जिसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने इसे लागू किया कि सभी छात्रों को, सबको उसका लाभ मिले, आज वो कहीं ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। अभी नमक रोटी का मामला मिर्ज़ापुर में सामने आया और उसके बाद जिस प्रकार से जिसने इस प्रकरण को उजागर किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई की गई और आज ही टीवी पर यह देखा जा रहा था कि किस तरह से दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाकर बच्चों को पीने के लिए दिया गया, तो ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है और इस पर शिक्षा विभाग के और जिम्मेदार अधिकारियों को, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको निगाह रखना चाहिए, गौर करना चाहिए और स्वयं उसे पहले वो चखें, उसको देखें और पारदर्शी तरीके से सारा कार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो लोग जिम्मेदार हैं, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और महज खाना पूर्ति करके, यह पवित्र उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों का हक मारा जा रहा है।